नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। इस बात की बेहद उम्मीद थी कि मायावती अपने जन्मदिन पर कुछ बड़ा ऐलान करने वाली हैं। सबके मन में था या सभी को लग रहा था कि शायद मायावती आज अपने पत्ते खोल देंगी। इस बात की चर्चा थी कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए वो सॉफ्ट तरीके से ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ संकेत जरूर देंगी। चार पांच दिन से इस बात को भी लेकर के बहुत चर्चाएं हो रही थी कि बहन जी के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता उन्हें बधाई देने जाएंगे। खबरें इस तरीके की भी थी कि कांग्रेस मायावती और अखिलेश यादव के बीच, यानी समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच मध्यस्थता करना चाहती, यानी मायावती से मुलाकात करके उनकी इच्छाओं को जान समझ करके और उसके बाद वो बात अखिलेश यादव तक पहुंचाने की कोशिश और उसके बाद इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल करने की प्लानिंग थी। बदली हुई परिस्थितियों में इसको सही भी माना जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि शायद मायावती अपने रुख में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगी और मौजूदा हालातों को देखते हुए वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर के कुछ ना कुछ सकारात्मक संकेत जरूर देंगी। लेकिन आज सुबह जब मायावती 11 बजे अपने पार्टी कार्यालय पहुंची, तमाम मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद थे। आज मायावती का जन्मदिन था, बहन जी का, हर साल वो अपना जन्मदिन मनाती है और एक बुक भी लॉन्च करती है, उसका विमोचन भी करती है। 68वां जन्मदिन था आज बहन जी का और हम सब लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और जैसे ही मायावती ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसना शुरू किया। उन्होंने कहा कि दलितों और वंचितों को, पिछड़े अल्पसंख्यकों को, ऐसे तमाम लोग जो गरीब तबके से आते हैं, उनको मुफ्त का राशन देकर के, मुफ्त की सुविधाएं देकर के भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना गुलाम बना रही है, एक तरीके से उनमें लाचारी पैदा कर रही है। उस वक्त भी ऐसा लगा कि शायद अब मायावती एनडीए गठबंधन को कोसते हुए शायद इंडिया गठबंधन के बारे में कुछ बेहतर बोलेगी, लेकिन दूसरी से तीसरी लाइन तक पहुंचते पहुंचते ये सारे भ्रम टूट गए और मायावती ने स्पष्ट कर दिया। जब उन्होंने न केवल कांग्रेस पार्टी को पूंजीवादी पार्टी बताया बल्कि समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया को भी जमकर कोसा और कहा कि क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं अखिलेश यादव गठबंधन को लेकर के, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो, ये सभी पूंजीवादी ताकतों के पोषक है। और अंत में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ना तो इंडिया गठबंधन में और ना ही एनडीए के गठबंधन में शामिल होने जा रही है। प्री पोल अलायंस के लिए उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया और यह भी ऐलान कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। तो एनडीए गठबंधन में जाने की तो बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन इंडिया गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मायावती ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी। साथ ही साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की, उन्हें सतर्क किया कि गठबंधन को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के बारे में जिस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है उससे पार्टी के कार्यकर्ता सचेत रहे, पूरे देश में इस स्थिति में बहुजन समाज पार्टी को पहुंचा दें जहां सत्ता की चाबी बीएसपी के पास हो और इसी यही उनके जन्मदिन का तोहफा होगा और यही बाबा साहब से लेकर के स्वर्गीय काशीराम तक के सपनों को साकार करने वाली एक सोच को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं उसका प्रतिफल भी तभी मिलेगा। तो आखिर मायावती के इस ऐलान के बाद कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उन्होंने सतर्क किया, क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का स्वरूप मजबूती के साथ एनडीए से लड़ने, वो भी जब मायावती इसमें शामिल नहीं होंगी, क्या उससे लड़ने के काबिल हो पाएगा? और अगर कोई तीसरा फ्रंट मायावती खड़ा करती है तो उससे किसे नफा और किसे नुकसान? आज इन्हीं सवालों के साथ हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, कि करके आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। उमा शंकर पांडे जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज कांग्रेस को लेकर के सबकी निगाहें थी कि शायद अगर मायावती हामी भरती तो निश्चित तौर पर उसे कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि माना जाता, लेकिन जिस तरीके से मायावती ने कांग्रेस पार्टी को जम करके कोसा और पूंजीवादी पार्टी बताया उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को निराशा हाथ लगी होगी। उमाशंकर पांडे जी से जानेंगे कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। इसके अलावा हमारे साथ अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अखिलेश यादव को भी जम के कोसा मायावती ने, कहा क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं।
और समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने पूंजीवादी पार्टी बताया, कहा कि पूंजीवाद की पोषक है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी का भी रुख जानने की कोशिश करेंगे। कर्मवीर आजाद जी जो दलित चिंतक है, बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर है, उनके समर्थक है, उनसे भी जानेंगे समझेंगे कि आखिर मायावती के उस रुख का क्या असर पड़ने वाला है। इसके अलावा हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ मौजूद है, और अनुपम मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और आज सबसे पहले मुझे लगता है कि उमा शंकर पांडे जी के पास जाना चाहिए मुझे। उमा शंकर जी, सारे प्रयास विफल हो गए, सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, सारे सपनों के किले ध्वस्त हो गए, धराशायी हो गए, अब क्या करेंगे? मानस जी, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने इतने जो विश्लेषण लगाए हैं, विश्लेषण और जो आपने विश्लेषण किया है, ये किस आधार पर कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहता हूं कि मायावती जी देश की बड़ी नेता है। मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनका जन्मदिन है, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं उनको उनके जन्मदिन की बधाई देता हूं, और ये चाहता हूं कि मायावती जी का भविष्य और उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल बने, ऐसी मनोकामना कांग्रेस पार्टी करती। हमारे अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ने भी उनको जन्मदिन की बधाई दी है, साथ ही साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अविनाश पांडे जी ने भी बहन मायावती जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी है। और मुझे लगता है कि मायावती जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में एक बड़ा स्थान है, और उन्होंने जो बयान दिया है मानस जी, और जिस पर लेकर आप टिप्पणी कर रहे थे, देखिए कांग्रेस पार्टी की उनसे कोई बात चल रही है नहीं चल रही है ये हम लोगों की जानकारी में नहीं है, और इसलिए किले ध्वस्त होने और सपने ढह जाने जैसी कोई बात नहीं है। राजनीति है, राजनीति में कभी पर्दे के पीछे बातें होती हैं, कभी पर्दे के सामने से बातें होती हैं। अगर मायावती जी से किसी की बात चल रही हो, चाहे वो हमारी बात चल रही हो या किसी और दल की बात चल रही हो, तो वो मुझे लगता है कि वो बाहर की बातें नहीं है, वो अंदर की बातें हैं। ये जरूर है कि इंडिया में जो घटक दल है उनमें ये बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी के को साथ लाकर हम चुनाव अगर लड़ते हैं तो निश्चित रूप से इंडिया को मजबूती मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी को हराने में मदद मिलेगी। इस बात को लेकर जो है मुझे लगता है कि हमारे ज्यादातर साथी सहमत है, लेकिन मायावती जी के ऊपर भी क्या कोई दबाव है? उस दबाव को अगर मायावती जी महसूस कर रही है तो निश्चित रूप से वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, वो संविधान के लिए खतरा है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली है उससे तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो तो उसको तो उन्होंने अपने रस्से में कसकर जनता को मारने का काम तो कर ही रहे, साथ ही साथ जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं मानव जी, उससे आरक्षण को नुकसान पहुंच रहा है। और मुझे लगता है कि मायावती जी भी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रही हैं कि अगर रेल, भेल, सेल, गेल, जहाज, पोर्ट, एयरपोर्ट सब बेचे जा रहे हैं तो उसमें जो नौकरियों में रिजर्वेशन मिलता था खास करके दलितों को, पिछड़ों को, वो आरक्षण मारा जा रहा है। अगर महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है तो ये तो मायावती जी को भी पता है कि जो गरीब तबका है उसको नुकसान पहुंच रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ये प्रयास किए कि जो दलित वर्ग है, शोषित है, वंचित है, उनकी बेहतरी के लिए तमाम योजनाएं बनाकर उनको आगे लाने का काम किया, लेकिन आज जो सारी सुविधाएं खत्म करके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेच के महंगाई को बढ़ाकर 5 किलो राशन पर लाकर लोगों को, ये मायावती जी ने भी बोला है अपने उसमें, आप ध्यान दीजिए, ये मायावती जी ने बोला है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 5 किलो राशन का मोहताज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर मायावती जी इतना सब कुछ समझ रही है तो मुझे लगता है कि उनको अपने स्तर पर वो प्रयास करना चाहिए और सकारात्मक सच्चे अर्थों में वो प्रयास करना चाहिए मानस जी, जिससे भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार, उनके कुशासन की सरकार समाप्त हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था इसलिए मैं आपको कुछ उनकी जो लाइनें वो पढ़ के सुना देता हूँ।
उन्होंने कहा कि फ्री राशन देकर गुलाम और लाचार बना रही बीजेपी, हमने अपनी सरकार में रोजगार दिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या दूसरे विरोधी दल वो पूंजीवाद के समर्थक है और जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। धार्मिक अल्पसंख्यक दलित वंचितों से अपील है कि वो दलित महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलकर सिर्फ और सिर्फ बसपा को मजबूत करें। जो गठबंधन की बातें की जा रही है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है उससे सचेत रहे, उसमें उन्होंने बीजेपी के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी शामिल किया बाकायदा नाम लेकर के, उमाशंकर जी। और आपके मंच पे मेरे ही प्लेटफॉर्म पे कई लोगों ने कहा कि नहीं, ऊपर से निर्देश है कि बसपा के प्रति, मायावती के प्रति हम लोग को सॉफ्ट रहना है। आपके तमाम नेताओं के हमने बयान सुने, भाषण सुने, जो ये कहते रहे कि नहीं हम मायावती को अपने साथ शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरफ आपका इतना सॉफ्ट कॉर्नर है मायावती के प्रति और दूसरी तरफ मायावती आपको किसी भी मंच पर बीजेपी के साथ खड़ा करने में नहीं चूकती है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है देश की इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कि उसको आज बहुजन समाज पार्टी के सामने झुक करके बात करनी पड़ रही है, ये कहना पड़ रहा है कि नहीं वो हमारे साथ आ जाए, लेकिन मायावती बार बार आपको पूंजीवादी पूंजीवादी कहकर के एक तरीके से आप पर प्रहार कर रही है। देखिए, राजनीतिक शुचिता मानस जी बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये भारतीय जनता पार्टी वाले दल नहीं है हम लोग कि जो गाली गलौज और अमर्यादित बयान देते हो विपक्ष को लेकर। कांग्रेस पार्टी मर्यादा और शुचिता की राजनीति में भरोसा करती है और मुझे खुशी है, मैंने माननीय अखिलेश यादव जी का भी बयान देखा, उन्होंने भी इस बात का इंस्ट्रक्शन दिया अपने लोगों को कि मायावती जी को लेके सम्मानजनक तरीके से बात की जाए। तो ये हम लोगों का ये सांस्कृतिक और पार्टी का ये हमारा स्तर है, हम लोग निचले स्तर पर जाकर बिलो बेल्ट वार करके सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से विपक्ष के नेताओं का चरित्र हनन करने वाली करने वाले दल हम लोग नहीं है। मायावती जी बड़ी नेता है, 4 बार की मुख्यमंत्री रही है, इससे कौन इनकार कर सकता है। एक राष्ट्रीय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने दल की और निश्चित रूप से माननीय कांशीराम जी ने जो रिवॉल्यूशनरी काम किए वो कांग्रेस पार्टी उसकी वो प्रशंसक है, लेकिन खतरा इस दल से, भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर खड़ा हो गया है, खतरा दलितों के अस्तित्व पर खड़ा हो रहा है जब आरएसएस कह देती है कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मायावती जी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रही है और कांग्रेस मायावती जी को यही कहना चाहती है, वो कहना चाहती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को अक्षुण बनाए रखने के लिए दलितों पर महंगाई और तमाम तरीके की जो मार पड़ रही है उससे उनको निजात दिलाने के लिए अगर आप दलित राजनीति करती हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसा कदम उठाएं जिससे भारतीय जनता पार्टी का के कुशासन का खात्मा हो, ना कि उनको फायदा पहुंचे। चलिए, अच्छा चलते हैं अशोक यादव जी के पास। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी को लेकर के मायावती ने काफी कुछ कह दिया, क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं, समाजवादी पार्टी पूंजीवाद की पोषक है और भी जाने क्या क्या की, वो भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सतर्क किया कि आप इस भ्रम में मत पड़िए, ये सब आपको बरगला रहे हो, बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो जिस तरीके का हमला इंडिया गठबंधन पर मायावती कर रही है, मुझे लगता है कि एनडीए से ज्यादा हमलावर मायावती इंडिया गठबंधन पर और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर है। मानस जी, सबसे पहले मैं बहन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देता हूं और भगवान से विनती करता हूं कि बहन जी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और उनका भविष्य उज्ज्वल हो। देखिए मानस जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की गिनती एक शालीन नेताओं में होती है भारतीय राजनीति में, और जब जब हम लोगों की मीटिंग्स होती है, जब जब हम लोगों को बुलाया जाता है, हमेशा वो कहते हैं कि टीवी पे बैठो, कभी भी अगर सामने वाला प्रवक्ता अगर कुछ उल्टा पुल्टा भी बोलता है तुम शालीनता से उसका जवाब दो। तो हम लोगों की संस्कृति रही है कि हम लोग सम्मान सबको देते हैं। रह गई बात बहन जी की, तो हम लोगों का ये मानना है कि चूंकि हमारे नेताजी अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं और हमेशा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी और आधी आबादी के खिलाफ जो शोषण हो रहा है उस शोषण के खिलाफ आप देखेंगे कि लगातार आवाज उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ कर रहे हैं, फिर जमीन से लेकर के सदन तक, आप कह सकते हैं सड़क से लेकर सदन तक, हर जगह वो आवाज उठा रहे हैं। जो इनके आरक्षण पे हमला हो रहा है,
जो जो आपको मानस जी क्राइम अगेंस्ट दलित में एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश नंबर वन है। तो आज तक बहन जी जिस स्पीड से या जिस धारदार तरीके से सपा के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर या इंडिया गठबंधन के ऊपर हमलावर रहती हैं, क्या विगत कई वर्षों से वो कभी भाजपा के ऊपर हमलावर आपने देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि वो हल्का फुल्का बात बोल देती है, निकल जाती है। आज देखिए माने जी चुनौती क्या है, आज चुनौती है जिस तरह से दलित समाज के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। आप 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में किस तरह से दलित समाज के पिछड़े समाज के लोगों की लगभग 17,000 से 18,000 जगहों को दूसरे समाज के लोगों को देने का काम किया गया? बहन जी ने क्या उसके खिलाफ सड़क पे आने का काम किया? आप आए दिन दलित समाज के ऊपर जिस तरह से हमला किया जाता है, कभी मूछ रखने को लेकर के, कभी चश्मा लगाने को लेकर के, कभी घड़ी घोड़ी पे चढ़ जाने को लेकर शादी विवाह में, जिस तरह से एक खास समाज के लोगों के द्वारा उनको मारा पीटा और प्रताड़ित किया जाता है, बहन जी ने क्या कभी उसके खिलाफ संघर्ष करने का काम किया? तो ये सारी चीजें हैं मानस जी, और जिसका परिणाम आपको मिला होगा, आपने देखा 2022 के विधानसभा चुनाव में जो बहन जी 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री रही और उस सूबे में एक विधायक उनका उमा शंकर सिंह जी, वो भी अपने बदौलत जीतते हैं चुनाव। ऐसा क्यों होता है? बड़े बड़े राजनीतिक पंडित इस पे विचार करें, और जो फाइंडिंग्स है, जो कंक्लूजन उसका निकल के आया बाद में, पता लगा कि इंटरनल बहन जी ऐसी पश्चिम उत्तर प्रदेश की लगभग 80 से 85 सीटें सेलेक्ट करके, जहां पे माइनॉरिटी बाहुल सीटें थी और दलित बाहुल सीटें थी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उन्होंने टिकट दिया ऐसे लोगों को जो एक डमी कैंडिडेट थे, ताकि वो समाजवादी पार्टी को हराते। और समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बहन जी इस स्तर पे चली गई कि उन्होंने अपना जीरो कर लिया एक तरह से विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन, सिर्फ एक विधायक है। तो देखिए दलित समाज आज जिस परसेंटेज में था मानस जी उनके साथ, आज लगभग 10% दलित समाज उनसे कट चुका है। ये चीज सभी लोग जानते हैं, क्योंकि दलित समाज जान रहा है कि उसका भविष्य कहां सुरक्षित है, कहां उसका भविष्य उज्जवल है, कहां उसका भविष्य अंधकारमय है। आज जिस पार्टी के साथ बहन जी, जिसके कहने पे, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, जिस तरह से बहन जी ने आज बयान दिया हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के, ये अमर्यादित बयान बहन जी का बयान नहीं है, ये अमर्यादित बयान मानस जी भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिलाया गया बयान है। और भारतीय जनता पार्टी क्यों इस तरह का बयान दिलवा रही उनसे, वो जान रही है कि दलित समाज आज अखिलेश यादव जी को देख रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहा है। तो इस तरह का बयान अगर आप देंगी बहन जी, तो अखिलेश जी और उनके पार्टी के लोग भी रिटेलिएट करेंगे, आपको कुछ बोलेंगे। तो एक दलित समाज और ओबीसी समाज या अखिलेश जी के लोगों के बीच में एक क्लैश होगा, एक टकराव होगा, तो जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं माने जी। लेकिन हम लोगों ने, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि बहन जी का सम्मान करिए आप लोग, और आज तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक बयान बता दिया जो उन्होंने बहन जी को पर्सनल हर्ट करने वाला कोई बयान दिया हो, कभी नहीं उन्होंने ऐसा कोई एक बयान नहीं दिया उन्होंने, और हमेशा हम लोगों को इस चीज के लिए रोकते रहते हैं। दूसरी बात मानस जी, आज बाबा साहब के जो संविधान था, बाबा साहब ने जिस संविधान का को बनाया, और उन्होंने कहा यही संविधान है जो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को और समाज के पिछड़े लोगों को उनके हक को दिलाने का काम करेगा। ये संविधान की ही देन है कि आज पिछड़े दलित और आदिवासी लोग हर जगह नौकरियों में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते, उनको ये बाबा साहब का संविधान उनकी आंखों में खटकता है मानस जी, और यही लोग दिल्ली में जाकर संविधान की प्रतियां जलाए, ये पूरे देश में मनुस्मृति के माध्यम से सरकार चलाने पे आमादा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस चीज को दलित समाज समझ रहा है मानस जी, कि ये जो मनुस्मृति इस देश में लाने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह से बैकडोर में बहन जी गलबहियां कर रही हैं, ये आज देश की जो विचारधारा मानस जी, सिर्फ दो विचारधारा, बाइपोलर फाइट हो गई है। आप 2022 का विधानसभा चुनाव उठा के देख लीजिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और सपा बीच का सब लोग खत्म हो गए, उसी तरह से आज पूरा देश का नैरेटिव है बाइपोलर फाइट, आइदर मोदी आर अगेंस्ट मोदी आइडियोलॉजी। इसके आइडियोलॉजी के अलावा कोई तीसरी विचारधारा इस देश में आज के डेट में बहुत अच्छा स्कोप पे नहीं है। और इस स्थिति में अगर आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं, या तो इंडिया गठबंधन के खिलाफ हैं, या तो आप मोदी जी के साथ हैं, या तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तीसरा कोई विचारधारा नहीं है।
और जिस तरह से बहन जी का जो मतलब बयान आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी गतिविधियां हैं, हम लोगों को ये मानना है कि बहन जी को भारतीय जनता पार्टी डरा रही है, धमका रही है, उनके ऊपर ईडी सीबीआई के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। अशोक जी, करमवीर आजाद जी के पास चलते। करमवीर आजाद जी, आप तो बड़े हिमायती थे कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए और बीजेपी को हराना चाहिए, बीजेपी के खिलाफ मोर्चे में शामिल होना चाहिए, लेकिन मायावती जी ने तो इंडिया और एनडीए दोनों को एक ही तराजू में तौल दिया। मानस भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन की सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने एक बात कही कि आप हिमायती थे, अभी भी हूं, उसमें कोई संदेह नहीं है। एक चीज अभी हमारे अशोक भाई ने एक बात बोली है और मैं वो कि कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का जो वो ईडी और सीबीआई का जो अभी इन्होंने जिक्र किया, वो ईडी सीबीआई मुझे लगता है कि उस ईडी सीबीआई की वजह से हो सकता है दबाव में जो है इस तरीके के बयान दिए गए हो। और अभी चुनाव नहीं हो रहा है मानस, अभी चुनाव में समय है और गठबंधन होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उस समय ही, मतलब आपने ये मान लिया कि अगर उन्होंने बयान दे दिया तो आप गठबंधन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो ये तो अपने जहन से निकाल दीजिए कि अभी बीएसपी शायद इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आएगी, ये मैं आपको बता दूं। और मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि देख लीजिएगा, अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं बनती और इंडिया गठबंधन के जो जितने घटक दल हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, केवल बहन जी की जिम्मेदारी नहीं। और दूसरी चीज, ये एक बार्गेनिंग का तरीका भी हो सकता है, उसकी भी आशंका आप क्यों नहीं कर सकते हैं कि बहन जी ने कह दिया, बहन जी को अपना सीटों के लिए जो बार्गेनिंग करनी है, हो सकता है ये एक भय दिखा करके बार्गेनिंग कर रही हो। इस बात को क्यों नहीं आप एनालिसिस करते कि हाँ ठीक है, हम इंडिया गठबंधन का साथ नहीं देंगे। और रही बात बयानबाजी की, तो आप ये बताइए, इसके पहले जब गेस्ट हाउस कांड के बाद जब जो खाइयां खोदी गई थी, जो खाइयां बनाई गई थी, तभी कोई विश्वास कर सकता था कि सपा और बसपा एक साथ आकर के कभी चुनाव लड़ेगी। लेकिन अरे ये भी किसने सोचा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मुलायम सिंह यादव नेताजी कल्याण सिंह का हाथ पकड़ करके और साथ में खड़े नजर आएंगे और आजम खान किनारे हो जाएंगे, ये भी किसने सोचा था? मैंने तो उस वक्त भी कल्पना नहीं की कि मेरे ख्याल से उस दौर के मेरे मीडिया के किसी भी साथी ने 90-92 के दौर में 96 के दौर तक कल्पना नहीं की होगी कि कभी ऐसा भी हो सकता है देश की राजनीति में। ये राजनीति, वही मैं बताना चाहता हूँ आपसे, वही मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ भी कहा जा सकता है, इसका विश्लेषण अभी आप नहीं कर सकते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन के विरोध कर रही है। देखिए, आपको आधा कर रही है इंडिया गठबंधन की तुलना एनडीए से कर रही है, बीजेपी के साथ कांग्रेस और सपा को पूंजीवाद का पोषण बता रही है और अपने वोटर्स से कह रही है, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, उससे कह रही कि आप इनसे सावधान रहिए, ये आपको बरकरार नहीं, आपको बहुत कम है। अगर आप खुले मंच पर, आप सुनिए, गैर भाजपाई फोर्सेस को अगर आप डिमोरलाइज कर रही हैं, उनको आप बुरा भला कह रही हैं, तो जनता में एक मैसेज तो जाएगा ना कि इसका मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है पूंजीवाद की पोषक है, वो दलितों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। तो आप एक मैसेज देने की तो कोशिश कर रही है, क्या आपको लगता है ये उचित है? ये मानस भाई देखिए, यह ऐसा है कि मैसेज देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके पीछे का राज क्या है? और ये जाहिर सी बात है कि जब तक कांग्रेस सत्ता में रही है, ये आज नहीं, आज सत्ता से कांग्रेस बाहर है, तब कांग्रेस को दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का दर्द का एहसास हो रहा है, उनको महसूस हो रहा है। माननीय श्री राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, मैं इस बात से कहीं भी संदेह नहीं है और कहीं भी
कांग्रेस जब तक सत्ता में रही कहीं ना कहीं ये जो है समाज वो जो समाज जो है इनकी जो इच्छाएं थी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, तभी तो ये समाज जो है कांग्रेस को छोड़ करके बाहर गया। मैं तर्क से मैं बहुत सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि कांग्रेस ने दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम किया, ये तर्क पे कौन मानेगा करणवीर आजाद जी? आप खुद सोचिए, ठीक है आप बसपा के समर्थक हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी राष्ट्रीय पार्टी को जिसका अपना भी बड़ा शानदार इतिहास रहा उसको आप इस तरीके से बोले। चलिए खैर ये आपका अपना एनालिसिस हो सकता है। अनुपम मिश्रा जी के पास चलते हैं। अनुपम मिश्रा जी, जो वर्तमान परिस्थिति बनी तो हम दो चीजें आपसे समझना चाहेंगे कि पहली बात तो बहन जी ने ऐसा क्यों किया, आखिर उनकी इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन से दूरी बनाने की वजह क्या समझ पा रहे हैं आप? और दूसरी बात ये कि इसका किस पर असर, किस पर सकारात्मक और किस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा एनडीए और इंडिया की अगर हम तुलना करें दोनों को लेकर के? मानस जी देखिए, आज तक मायावती ने जब भी जिस भी पार्टी से गठबंधन किया है उसके एक घंटे पहले तक वो गठबंधन से इनकार करती रही है। मेरा पहले भी दावा था, मेरा अभी भी दावा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कोई भी पार्टी बिना गठबंधन के नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाती है और 36 पार्टियों का गठबंधन करके बैठ जाती है। अकेले चुनाव लड़ने के दिन चले गए, गठबंधन का दौर आ चुका है। कोई भी चुनाव अकेले, कोई भी पार्टी अकेले चुनाव में बिना गठबंधन के नहीं उतरेगी। और मैं आपके चैनल पे आज दावा कर रहा हूं कि मायावती और बहुजन समाज पार्टी को आप इस चुनाव में किसी ना किसी गठबंधन में देखेंगे। या तो वो उस विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे जिसका नाम इंडिया है, या फिर जैसा कि उन्होंने अपने ट्वीट में इशारा किया था कि एक बहुकोणी चुनाव हो सकता है जिसमें आप उनको असदुद्दीन ओवैसी और राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी के साथ एक तीसरा मोर्चा बनाते देखें। मेरा अपना मानना है कि मायावती आज की तारीख में जो उनका एक दिक्कत देखिए, एक बात बड़ी साफ नजर है वो की आई है 2014 में और 19 में, दोनों से अगर आप रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि वोट ट्रांसफरेबिलिटी में दिक्कत आती है सपा और बसपा के बीच में, यादव और दलित वोटों के बीच में। इसका कारण हमारे यहाँ जो ग्रामीण समाज है उसमें इन दो समाजों के बीच के जो रिश्ते हैं उसमें वोट ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। इसी के चलते मैं हमेशा कहता रहा हूं कि कांग्रेस और बसपा का जो गठबंधन है वो सबसे नैसर्गिक गठबंधन है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा इकलौती पार्टी जिसके पास एक दर्जन या उससे ज्यादा स्टेट्स में 2% से 22% वोट है। मेरा अभी भी मानना है कि ये सबसे नैसर्गिक गठबंधन है, या तो ये होगा या फिर मायावती आपको तीसरा मोर्चा लेके खड़ी नजर आएंगी। मायावती ने आज जो कुछ भी कहा उसको लेके आप आगे की दिशा और दशा बिल्कुल नहीं तय कर सकते। मायावती अपनी पार्टी में एकदम किसी को जवाबदेह नहीं है, उन्हें किसी को कोई बात एक्सप्लेन नहीं करनी है, वो जब जो चाहती है जिस तरह उनको ठीक लगता है वो उस तरह फैसले लेती है। और मेरा अपना मानना है कि आज ही नहीं पहले भी उन्होंने जब कोई गठबंधन किया है मानस भाई तो उन्होंने इस पे पहले से दावा नहीं किया है। गठबंधन का उनका फैसला हमेशा चौंकाता है और मायावती भी इस बार भी आपको बिना गठबंधन के चुनाव में जाती नहीं नजर आएंगी। 2014 में वो ये गलती कर चुकी हैं, शून्य पे जा चुकी हैं। 2022 में वो एक विधायक पे आ चुकी हैं। बसपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और बसपा इस बार बिना गठबंधन के चुनाव में नहीं जाएगी। ये तो रही मायावती की बात। और अब आपकी आज्ञा से मेरे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता और सपा प्रवक्ता, दो शब्द मैं उनकी भी करना चाहूंगा। ये बड़ा एक आजकल एक दलित वोटों के हवाले से और उसके लिए एक बड़ा एक चलन सा बन गया है, हर बात को डॉक्टर अंबेडकर से शुरू करना और डॉक्टर अंबेडकर पे खत्म करना और अंबेडकर के संविधान की दुहाई देना। कांग्रेस प्रवक्ता को मैं देख रहा था, वो अपनी सारी बातें डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की कर रही थी। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बचा कहाँ? उसकी तो प्रस्तावना आपने बदल डाली। अंबेडकर के संविधान की प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आत्मा कहा है, आपने तो उसकी आत्मा बदल दी। उसमें जिस दिन आपने चेंज करके इमरजेंसी के दौरान पूरे विपक्ष को जेल में डाल के उसका प्रीएम्बल बदल के उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड्स डाले थे, आपने उसकी आत्मा ही बदल दी थी। तो क्या ही अंबेडकर और उनका संविधान की दुहाई आप देते रहते हैं। और वैसे भी बहुत ढेर सारा वो आज मैं देख रहा था, सरयू नदी में स्नान कर रहे थे जनेऊ पहन के अजय राय और अविनाश पांडे, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का लड़का कहता है कि सनातन धर्म कोड़ है, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो ये जो विरोधाभास है मेरी समझ के बाहर है।
सपा प्रवक्ता को मैं सुन रहा था कि सब हमारी शालीनता हमारे प्रवक्ताओं की इतनी ज्यादा है कि हम कभी कोई बात को गलत नहीं कहते हैं। जहां तक हमारे वर्तमान सपा प्रवक्ता का अशोक यादव जी का सवाल है, ये सचमुच बहुत शालीन व्यक्ति हैं और मैं इनको प्रणाम करता हूं, बहुत अच्छे से अपनी बात कहते हैं और कभी हमने इनको उत्तेजित या कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते नहीं देखा। लेकिन इसके अलावा अभी हम मनोज यादव को सुन रहे थे, वो टीवी बता रहे थे अपर कास्ट को। हम आशीष जगन अगर वो मैं प्रयागराज से आता हूँ, यहाँ पे ऋचा सिंह है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला प्रेसिडेंट, उसको आशीष जगत अग्रवाल ने इतनी गंदी गंदे लफ्ज निकाले कि उनको हाईकोर्ट तक से रिलीफ नहीं मिली, उनके खिलाफ मुकदमे और फरार चल रहे हैं। आपने देखा कि ये भी अम्बेडकर के नाम की बहुत दुहाई देते हैं समाजवादी पार्टी वाले भी, तो अम्बेडकर के नाम पे जितनी जो कुछ रखा गया था इंक्लूडिंग द पार्क सारे आपने नाम बदल डाले। अम्बेडकर के नाम से तो आपको इतनी चिढ़ थी कि जहां जहां अम्बेडकर का नाम आया हर जगह आपने उसका नाम बदल दिया। लेकिन आप बात करते हैं अम्बेडकर से शुरू करते हैं अम्बेडकर पे खत्म करते हैं। आज उन्होंने गिरगिट कह दिया तो आप शालीनता की दुहाई दे रहे हैं। स्वामी प्रशांत मौर्य रोज नेवला बने रहते हैं, नेवला और सांप की बात करते हैं, तब क्या होता है जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एनडीटीवी पे आके कहते हैं कि एक अंग्रेजी के अखबार के संवाददाता की मैं गर्दन तलवार से काटना चाहता हूँ, वो कौन सी शालीनता है। जब आप मायावती पे आरोप लगाते हैं कि ईडी और सीबीआई से डरी हुई है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ मानस जी कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इकलौती पार्टी है पिछले 10 सालों में जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई का कोई भी मुकदमा नहीं हुआ, बल्कि आय से अधिक वाला जो एक मामला चल रहा था सीबीआई का, वो भी मनमोहन सिंह सरकार में दर्ज हुआ था, उसको सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके वापस ले लिया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके सीबीआई अपना ही मुकदमा वापस दे। तो उन्होंने अखिलेश यादव, उन्होंने तो आपको क्लीन चिट दिया है, 10 साल में एक भी मुकदमा आपके खिलाफ नहीं किया है। विपक्ष का ऐसा कौन सा नेता है जिसके खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ आपके। बल्कि बीच में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था मानस भाई कि भारतीय जनता पार्टी जिनसे डरती है उनके खिलाफ मुकदमे करती है, तो मैंने उसमें लिखा था चलिए एक बात तो तय हो गई कि आपसे भारतीय जनता पार्टी नहीं डरती। मानस भाई चलिए मैं इस डिबेट को क्लोज करने से पहले मैं, क्योंकि मनीष इस डिबेट आप लोगों के झगड़े में मनीष अग्रवाल जी का समय नष्ट हो गया, मनीष अग्रवाल जी आपसे लास्ट कमेंट में लेना चाहूंगा कि आखिर मायावती के उस रुख का क्या असर पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटों पे लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने ये बताया है, उन्हें ये मालूम है कि कांग्रेस का वोट उन्हें ट्रांसफर उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा और अखिलेश यादव जी के संग वो एक बार समझौता करके देख चुकी है, तो आज उन्होंने अपने सारे ऑप्शंस ओपन रखे हैं। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर बनने का वो स्वागत करती हैं और मस्जिद के निर्माण में भी वो जाएंगी, तो उन्होंने अपने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। और पिछले भी 3 राज्यों के चुनाव से पहले मायावती जी ने ये साफ कहा था कि हम सरकार का पार्ट बनेंगे अंदर से, ये उन्होंने नहीं कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी। तो मुझे लगता है कि मायावती जी को तो आगे सेकंड जनरेशन को ट्रांसफर कर रही है और मुझे ये उम्मीद है कि वो अगली सरकार में कोई भी सरकार बने उसमें शामिल होने के सारे रास्ते खुले रख रही हैं। आपने देखा होगा मायावती जी ने अपनी पार्टी का एक नंबर जारी करा है जिसपे आप मिस्ड कॉल करके उनकी पार्टी से जुड़ सकते हैं। एक अनूठा प्रयोग है जो बीएसपी ने करा है, पहले कभी ऐसा प्रयोग नहीं करा था। तो वो अपने जनाधार को इकट्ठा करना चाहती है और वो एक फोर्स के रूप में उभरना चाहती है अगले चुनाव के परिपेक्ष। चलिए ठीक है, मैं चर्चा को ही समाप्त करता हूं और आप सभी खास मेहमानों का शुक्रिया, उमा शंकर जी आपका, करमवीर आजाद जी आपका, मनीष अग्रवाल जी आपका और अनुपम मिश्रा जी, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे कि मायावती के उस ऐलान की जिसमें उन्होंने तस्वीर साफ कर दी कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी, यानी ना एनडीए और ना ही इंडिया, तो क्या उत्तर प्रदेश में मुकाबला त्रिकोणी होने जा रहा है, यानी एक तरफ दो गठबंधन और उस गठबंधन के बीच में बहुजन समाज पार्टी अकेले ताल ठोकती नजर आएगी, क्या परिदृश्य बनेगा थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि मायावती के इस ऐलान से इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। चलिए आज इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।